हे गाइस, मैं सच निगम। मैंने फाइनली शीहल चालू हो चुका है। मतलब मिस मार्वल के बाद मैं सोच रहा था कि अगला टीवी शो कब हमें देखने को मिलेगा। अब टेक्निकली ये शो कल रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज रिलीज हुआ है और 12:30 बजे आ गया था। तो शीहल का फर्स्ट एपिसोड देख लिया है। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एपिसोड। ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करेंगे और एपिसोड में क्या हुआ बात करेंगे, ईस्टर एग्स के बारे में बात करेंगे, हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना। हे गाइस, मैं सच निगम, बैक एट इट अगेन, एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो शी हल्के यानी कि जेनिफर वॉटर्स जो है वो एक केस के लिए प्रैक्टिस कर रही है। वो अपनी फ्रेंड निकी को और साथ में कोई बंदा खड़ा है उसको एक तरह से अपनी ओपनिंग स्पीच जो है वो बता रही है, और दोनों जो है बात करते हैं कि किस तरह से वो अगर हल्क बनना चाहे तो वो हल्क भी बन सकती है। उसके बाद वो फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और हमें बताती है कि एक्चुअली में उसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो शी हल्क है ना, वो फोर्थ वॉल ब्रेक करती है कॉमिक्स के अंदर बहुत बार, उसने टीवी शो में बहुत बार किया है, और अब लाइव एक्शन के अंदर भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी। अब मैं आपको पहले बता दूं, आपको लगता होगा कि डेडपूल है जो कि फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है, या फिर कोई नेक्सस बीइंग जैसे कि वांडा फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकती है, लेकिन जो शी हल्क है ना वो डेडपूल से बहुत पहले से ही फोर्थ वॉल ब्रेक कर रही है। तो ओरिजिनली ये इसका प्लान था, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी क्योंकि कॉमिक्स में तो कुछ चीज उठाकर यहां पे डाली गई है, और इसका जो फोर्थ वॉल ब्रेक है ना, इट वाज वेरी वेरी गुड। फिर हमें देखने मिलती है जेनिफर वॉटर्स की ओरिजिन स्टोरी। अब कॉमिक्स के अंदर जो ओरिजिन स्टोरी है वो टोटली डिफरेंट है। उसको कोई गोली मार देता है और उसको बचाने के लिए जो ब्रूस बैनर है अपना ब्लड उसकी बॉडी में डालता है, जिस तरह से वो हल्क बनती है। लेकिन एमसीयू के इस शो के अंदर इसको फॉलो नहीं किया गया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो दोनों जा रहे होते हैं कहीं पे, जहां पर वो एक दूसरे बात कर रहे होते हैं कैप्टन अमेरिका के बारे में और एवेंजर्स के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सरकारी शिप आती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें शिप की ना, तो आप ये देख सकते हैं कि जो शिप है ये ग्रैंड मास्टर की शिप की तरह ही है, और एपिसोड के अंदर जो हल्क है वो बोलता भी है कि मेरे को पता करना पड़ेगा कि वो शिप यहाँ पे क्यों आई थी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसके पीछे पूरी थ्योरी क्या है। यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, मैंने आपको बताया था कि शायद इसके अंदर हल्का बेटा हो सकता है या फिर एक मैसेज आया हो सकता है सरकार की तरफ से, जहां पर बताया जाएगा कि हमें तुम्हारी वापस से जरूरत है। तो हाँ, वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप हो रहा है यहाँ पर ब्रूस बैनर के साथ में। फिर हम देखते हैं, हमें ओरिजिनल स्टोरी देखने मिलती है जहां पर जेनिफर वॉटर्स का हाथ थोड़ा सा कट जाता है, जो बैनर है उसका भी हाथ कट जाता है, और वहां से थोड़ी दो तीन बूंद निकल के ना उसकी बॉडी में चली जाती है और वो तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ पर ये स्टोरी जो है ना मुझे काफी ज्यादा फास्ट लगी, थोड़ी सी नई लगी, और आई थिंक के ज्यादा फैंस को गुस्सा नहीं आना चाहिए क्योंकि एकदम रियलिस्टिक कॉमिक्स की तरह दिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर वो कॉमिक्स वाली चीजें ही सारी पेल देंगे तो फिर नया क्या रह जाएगा। इसलिए मुझे ओरिजिनल स्टोरी जो शीहल की है ना बहुत ज्यादा अच्छी लगी। फिर हम देखते हैं कि जो जेनिफर वॉटर्स है एक ट्रांसफॉर्म होने के बाद में एक बार में जाती है, जहां पर साइड में अगर आप देखेंगे लेफ्ट में तो वहां लिखा है रॉक्सॉन। अब रॉक्सॉन एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, आयरन मैन 1 में, आयरन मैन 3 में, और पता नहीं डेयरडेविल के शो में भी हमने उसको देखा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये थोड़े ईस्टर एग्स हैं जो कि फ्यूचर को दिखा सकते हैं। अब रॉक्सॉन जो कॉर्पोरेशन है ना, शायद वो डेयरडेविल के शो में हमें देखने मिले, लेकिन यहाँ पे उसका एक ईस्टर एग दिया गया है। जैसे ही वो बार में एंटर करती है, हम देखते हैं यहाँ पर हमें दीवार पर एक क्यूआर कोड देखने को मिलता है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हो जाएंगे शी हल्क 1980s की इशू नंबर 1 में, जहां पर जेनिफर वॉटर्स की शी हल्क की ओरिजिन बताई जाती है। तो हाँ, नाइस पैरेलल और नाइस स्टोरी, क्योंकि इस एपिसोड में भी एक तरह से ओरिजिन स्टोरी बताई गई है और कॉमिक के अंदर भी हमने एक तरह से ओरिजिन स्टोरी देखनी है अगर इसको स्कैन करेंगे तो, फ्री में कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। और मिस मार्वल के बाद में ना, और मून नाइट के बाद में, मेरे को लगता है कि मार्वल जो क्यूआर कोड वाला सिस्टम है ना, एक काफी अच्छा स्टोरी लेकर आ रहा है जिससे फैंस को भी थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें पता चलती रहती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जेनिफर वॉटर जैसी बाहर आती है, कुछ लड़के उसको छेड़ते हैं, वो हल्क बन जाती है, उनको मारती है, और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो होती है एक आइलैंड पे। इस आइलैंड पे ऑब्वियसली आपको पता है, हमने ट्रेलर्स के अंदर देख रखा है कि किस तरह से ब्रूस बैनर को यहाँ पर लेकर आता है और वो बताता है कि ये वो जगह है जहां पर ब्लिप में मैंने हल्क को और अपने आप को मर्ज किया था। तो फाइनली हमें आंसर मिल चुका है कि किस तरह से ब्रूस बैनर जो है ना वो अपने आप के ऊपर काबू पा रहा था, और हल्क जो है वो स्मार्ट हल्क कैसे बना, क्योंकि एंड गेम के अंदर तो हमने डार्क में सीधा स्मार्ट हल्क देख लिया था, लेकिन वो सब हुआ कैसे था ब्रूस बैनर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है। और वो ये भी बताता है कि पूरी जो लैब है ना इसको बनाने में मेरी हेल्प की थी टोनी स्टार्क ने। टोनी स्टार्क को लेकर इस एपिसोड में काफी ज्यादा रेफरेंस है जो कि मुझे बहुत पसंद आए। जेनिफर वॉटर जो है जब उठ के वहां पर जा रही होती है ना ब्रूस बैनर को ढूंढ रही होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आयरन मैन का हेलमेट है। अब ये आयरन मैन का हेलमेट नहीं है, ये है आयरन लीजन के रोबोट का हेलमेट जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में थे, और आपको पता है कि उस मूवी के अंदर जो हल्क है ना उसने कितने सारे आयरन लीजन के रोबोट्स को पेला था। तो हाँ, एक जो एक तरह का हेलमेट है ना वो यहाँ पे भी है। फिर हम देखते हैं कि हल्क और शी हल्क जो है वो कन्वर्सेशन करती है, और जेनिफर वॉटर्स को पता चलता है कि वो अब एक सुपर हीरो बन चुकी है। मार्क रफलो का जो हल्क है ना यानी ब्रूस बैनर, वो बोलता है कि किस तरह से तुम्हें अपनी पावर्स को मैनेज करना पड़ेगा, गुस्से को कम करना पड़ेगा, और वो एक तरह से अपनी पावर्स को जागरूक करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हल्क जो है उसके पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है जो कि ऑलरेडी ट्रेलर्स के अंदर हम देखे हुए हैं, और हम देख सकते हैं कि जो शी हल्क है उसकी कोई अल्टर ईगो नहीं है,
मतलब बेसिकली होता क्या था कि जब हल्क शुरू में बनता था तो हल्क जो है वो सामने आ जाता था और ब्रूस बैनर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था उसको, और जब वो ब्रूस बैनर बनता था वो हल्क नहीं बनना चाहता था, एक ही बॉडी के अंदर ब्रूस बैनर के अंदर दो पर्सनैलिटी थी। लेकिन यहाँ पर जेनिफर वाटर्स की बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी है एक तरह से स्मार्ट हल्क, और उसकी बॉडी में रहने के बावजूद भी उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो जेनिफर वाटर्स वाली ही रहती है, जिसको देख के हल्क जो है बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और बोलता है कि हाँ ऑल्टर ईगो वाला जो चैप्टर है वो हम टोटली स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बात काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि अगेन अगर सेम ओरिजिन स्टोरीज को निकालते ना तो हम भी बोर हो जाते। कितनी बार हम देखेंगे कि एक रेज वाले कंट्रोल मॉन्स्टर को तुम्हें काबू में करना है, और यही चीज हमें देखने को मिलती है हल्क के साथ में, क्या हमें शील्ड के साथ में देखने को मिलेगी? आई थिंक मार्वल ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और फर्स्ट एपिसोड के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर वो दोनों बात करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपनी हल्क की पावर्स को। जब हल्क डिस्क्राइब कर रहा होता है कि स्पैंडेक्स तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक हेलमेट रखा हुआ है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये हेलमेट है रेग द रॉक का, यानी कि थॉर रेग द रॉक में जब हल्क ने ग्लैडिएटर हल्क का रूप लिया था ना उस वक्त जो हेलमेट इसने पहना था ये वही हेलमेट है। एंड या इट्स अ वेरी नाइस ईस्टर एग। फिर हम देखते हैं जेनिफर वाटर्स और मार्क रफलो का जो हल्क है ना उन दोनों के बीच में फाइट होती है, और वो बोलते हैं कि मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है, जहां पर ब्रूस बैनर बोलता है कि अब तुम एक सुपर हीरो बन चुकी हो और तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन जेनिफर वाटर्स जो है वो अपनी लाइफ में वापस जाना चाहती है, वो ब्रूस को बताती है कि तुम तो हल्क बने हुए स्मार्ट हल्क बने हुए, लेकिन मैं कभी भी जेन बन सकती हूँ और कभी भी हल्क बन सकती हूँ, तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगी। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हल्क है उसको परमिशन देता है कि तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो और जैसे तुम रहना चाहते हो वैसे रह सकती हो, बट अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जेनिफर वाटर्स की जो कहानी है ना वो यहाँ से शुरू हो जाती है। बाय द वे एक वेरी ऑसम फाइट सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर हल्क और शी-हल्क लड़ते हैं, काफी अच्छा फाइट सीक्वेंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हल्क जो है वो थंडर क्लैप भी करता है जो कि काफी सालों बाद मेरे को देखने को मिली। एंड या इट वाज वेरी वेरी गुड। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एपिसोड खत्म होने वाला होता है जहां पर हमें पता चलता है कि जेनिफर वाटर्स अपनी दुनिया में वापस जा चुकी है, और एक तरह से वो लॉयर वाले काम कर रही है, अपनी ज्यूरी को अपनी स्टेटमेंट देने वाली ही होती है। तभी टाइटेनिया जो है यहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की फाइट होती है, जहां पर जो शी-हल्क है ना एक मुक्के में उसको सुला देती है, वो बोलते हैं हु आर यू, तो वो कहती है शी-हल्क अटॉर्नी एट लॉ। तो यहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला है। फर्स्ट एपिसोड वाज वेरी वेरी गुड, मतलब मुझे सच में अच्छा लगा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज्यादा बेकार होगा या क्या होगा, क्योंकि काफी ज्यादा कंप्लेंट थी सीजीए को लेकर। लेकिन अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि फर्स्ट एपिसोड में अब जब काम मैंने देखा सीजीआई का, मुझे 1% इशू नहीं लगा सीजीआई में। हाँ ट्रेलर के अंदर था, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और एपिसोड के खत्म होते होते हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहां पर जेनिफर वाटर्स कहते हैं कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन था क्या 1940s के अंदर, जहां पर हल्क बोलता है कि नहीं उसने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। तब जेनिफर वाटर बोलते हैं कि हाँ उसकी आज तो देखो, ऑब्वियसली ये एक एंड गेम का रेफरेंस है जहां पर आयरन मैन और एंट मैन जो है कैप्टन अमेरिका की एस की तारीफ करते हैं। या बहुत ही मस्त था। Mr. Rogers, I almost forgot that suit did nothing for your ass. No one asked you to look, Tony. It's ridiculous. I think you look great, Cap. As far as I'm concerned, that's America's ass. That is America's ass. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अभी तक देखा या नहीं देखा, नहीं देखा ना तो जाके देखो, और एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 1000 लाइक का एम हम रख रहे हैं इस वीडियो के ऊपर, 1000 लाइक करा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।